दोस्तों आज हम देखेंगे क्या होता है माहौल जब एक देसी फैमिली एक साथ पहली बार ट्रेन में ट्रेवल करती है। okay. जैसे ही ट्रेन आती है घर का बड़ा बेटा होने का कर्तव्य निभाते हुए मैं कूली बन जाता हूँ। फाइनली हमारी गाड़ी चल पड़ती है। अंदर घुसते ही पापा अपने काम पे लग जाते हैं जिस काम में वो माहिर है। अरे मम्मी हंस क्या रही है, रोक ना पापा दम को। है तो कोई रोक के दिखाए। अबे लड़की कहाँ बैठी है, ये हमारा सीट नहीं है, हमारा ऊपर है। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, संभाल लूंगी। दोस्तों थोड़ी देर में मेरी बहन की धुलाई होने वाली है, उस खुशी में इस वीडियो को लाइक कर दो। हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। अबे उस बंदे को ऊपर कैसे भेजा तूने? अरे मैंने बस उसको बोला कि मैं रात भर उल्टियां करती हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर उल्टी गिरी तो बारिश के छींटे समझ के इग्नोर कर देना। बस क्या इतना सुनते ही ऊपर भाग गया। अबे इतनी स्मार्ट कैसे है ये सब मेरे दिमाग में भरे भूसे का कमाल है। What? निकल अब मुझे सोने दे। फिर अचानक नीचे बच्चों का रोने धोने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जिसे देख ऊपर बैठा मैं गुस्से में लाल हो जाता हूँ और गुस्से में मैं भी रोना चालू कर देता हूँ। गाड़ी हमारी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि अचानक मुझे अपने घर के रसोई घर के जैसा कुछ स्मेल आया। हे भगवान ये दोनों कर क्या रहे हैं, अरे ट्रेन को ही किचन बना दिया इन लोगों ने। बेटी सुन, पूरे डिब्बे में ये अंडे और चने बेचेंगे, अपने टिकट के पैसे इधर ही निकल जाएगा। वाओ पापा यू आर सो स्मार्ट। पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न चाहिए सर? हाँ दीजिए, एक दीजिए। कितने का है? 20 का एक है सर। बहुत महंगा है क्या मैडम? यही पॉपकॉर्न आप मल्टीप्लेक्स में 600 रुपए का खाते हो। तो आप भी मल्टीप्लेक्स में जाके बेचो ना। सर वापस दे दो मेरे पॉपकॉर्न, नहीं बेचना मुझे, आप बहुत तका रहे हो। अरे मजाक कर रहा था, अरे लाओ लाओ। हाँ घुसा दे, जो भी है सब घुसा दे पेट में। भैया मुझे ये दीजिए और ये भी दीजिए। भाई चल 20 रुपए निकाल। पापा ये लीजिए। वाओ थैंक यू बेटा। अरे पापा बहन को दीजिए, पैसे चाहिए उसको। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू। इस बीच सूरज ढल चुकी थी और हमारी ट्रेन 2 घंटा लेट से चल रही थी। फिर गाड़ी रुकती है भुसावल में, जहाँ मुझे लगा कोई तो मेरा फॉलोअर मिलने आएगा मुझे, बट नहीं, कोई नहीं पहचानता मुझे यहाँ। एक आलसी बेटी का पेट भरने के लिए एक बाप कैसे भाग दौड़ कर रहा है देखिए। हाँ रे ठूस जा सब। लो कर लो बात, हमें बोला जाता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो तो टॉयलेट का इस्तेमाल ना करो, पर यहाँ तो ट्रेन खुद प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मूत रहा है। nice. अबे रुक जा, इतना सुसु लाता कहाँ से? यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, जब भी ट्रेन में ट्रैवल किया ये लोग मुझे कभी सोने नहीं देते। काश इन लोगों का खात्मा करने के लिए कोई सुपरमैन आता। पद्दुमान। अरे क्या हुआ बेटा? अरे पापा आपने देखा नहीं क्या, कैसे कैसे आवाजें निकाल रहे हैं अंदर, सांस लेने में मुश्किल हो रही है मुझे, क्या करूं? घबरा मत, 2 मिनट में सब ठीक करके आता हूँ, तू इधर ही रुक। दुनिया बचाएगा पद्दुमान। अबे क्या हो गया, अबे क्या हो रहा है अंदर बता तो। अरे पापा ने अंदर पूरा आतंक मचा रखा है यार। ये सुनते ही जैसे मैं वापस अंदर घुसा तो देखा चारों तरफ सन्नाटा पिसरा हुआ था, ना आवाज ना कोई हलचल, ऐसा लग रहा था मानो सारे लोग कोमा में चले गए हो। फिर जो मैं मस्त सोया, सीधा आंख खुलती है दुर्ग स्टेशन में, पर यहाँ भी मेरा जो सपना था किसी फैन से मिलने का, वो सपना सपना ही रह गया। और बेटा रात को अच्छी नींद हुई ना? हाँ पापा एकदम मस्त, थैंक यू सो मच। 3 घंटा लेट होने के बाद हमारी ट्रेन रायपुर पहुंच जाती है। ट्रेन रुकते ही नीचे उतर जाता हूँ हाथ में कैमरा लिए, पर नहीं यहाँ भी कोई नहीं पहचानता मुझे। ये देखो इस नमूने को देखो, एक तरफ मम्मी की चप्पल दूसरी तरफ पापा की चप्पल, क्योंकि मैं दोनों से इक्वल प्यार करती हूँ। बेटियां भी बाप का सहारा बन सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों। कैसे चढ़ूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। गॉश। अरे भैया आप अंदर से चले जाओ, पापा लटक गए हैं। भगवान भी आज पापा को देख के बोल रहे होंगे बेटा चढ़ तो गया, अब उतरेगा कैसे। दोस्तों 5 घंटा लेट हो चुका है ट्रेन, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। oh, no. कब घर पहुंचूंगा यार। फाइनली हम झारसुगड़ा पहुंच जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ तो कोई आएगा मिलने हमसे, आप बिलीव नहीं करोगे कुत्ता तक नहीं पहचाना मुझे। फिर निकल पड़ते हैं हम फाइनल डेस्टिनेशन राउरकेला की तरफ। फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म होती है। ओ दोस्तों मैं पहुंच गया अपने घर,
बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए ये। इस वीडियो में 10,000 लाइक्स दे दो यार, अगर जिंदा रहा तो अगला वीडियो भी जल्दी आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। पद्दूमैन, पद्दूमैन, दुनिया बचाएगा पद्दूमैन।